डीएसपी सर हैं, ये मेरे हस्बैंड भी है। अरे बाप। और मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं इनको लेके आई हूँ कि चलो अपन बच्चों से बात करेंगे, है ना। इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, है ना। तो हमको क्या सिखाते हैं कि बस थोड़े बहुत पढ़े पढ़ लो, थोड़ा सा बड़े हो जाओ और आप ही लोग फटाक से शादी कर देते हैं। मेरी भी शादी होती तो मैं डीएसपी बन पाती क्या? नहीं बन पाते, है ना, नहीं बन पाते। मेरी मम्मी पापा टीचर है सर के जैसे प्राइमरी स्कूल के, उन्होंने हमको पढ़ाया, पढ़ने को समझा तो हमने आगे पढ़ाई की और हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद हमने फिर शादी की बात सोची तो फिर मेरे को देखो डीएसपी मिल गए, है ना। अच्छी बात है कि नहीं है? दोनों डीएसपी, कोई एक नहीं बन पाता, हम तो दोनों डीएसपी हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने मेहनत की है और आपके जैसे सरकारी स्कूल से हमने पढ़ाई की है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आप लोग भी आए हैं तो आपसे ये कहना है कि आप अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल, डेली स्कूल भेजा करो, है ना। कभी ये बहाना करे कि पेट दुख रहा, कि ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छे से निभा के भेजना चाहिए। जैसे सर ने पहले बताया ना कि सबसे पहले हम किसको बुलाते हैं? गणेश जी को बुलाते हैं। गणेश जी को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं। उसके बाद हम बुलाते हैं सरस्वती माता को, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। बुद्धि और ज्ञान दोनों हमको यहाँ स्कूल में मिलेगा, तो हमको नहा के स्कूल आना है। थोड़ी सी ठंड लगेगी, थोड़ा सा मन नहीं करेगा कुछ भी, अभी ठंड का सीजन आ रहा है ना, पर नहा के रोज स्कूल आना और रोज आना। कहीं बकरी चराने चले गए, कहीं गाय चराने, ऐसा नहीं करना। और आप ऐसा करने मत देना, आपको इतने अच्छे टीचर मिले हैं। पहले आपके गांव में 7 साल तक कोई टीचर नहीं था, है ना। अब आ गए हैं और वो बहुत इंटरेस्टेड है, वो पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रोज आना है। एक बच्चा नवोदय में भी गया मेरा। नवोदय में भी गया? हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। मतलब अच्छे अच्छे स्कूल से हमने देखा है।